नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कबीर। सो वेलकम टू स्ट्रीट स्ट्रीट 24x7। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया उसके बारे में। तो हिमाचल हाई कोर्ट ने शास्त्री सहित 20 अन्य श्रेणियों के कुल 893 पदों की भर्ती पर लगा दी है रोक। तो इन एग्ज़ाम्स की जो भर्ती प्रक्रिया थी उसके ऊपर अभी के लिए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। टोटल ये पोस्ट थे 893। तो दोस्तों, देखते हैं क्या रहा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आज। तो देखते हैं दोस्तों, ये अमर उजाला का देख सकते हैं आप, लाइव आर्टिकल है। तो टीजीटी भर्ती पर रोक के बाद अब शास्त्री सहित 20 अन्य श्रेणियों के 893 पदों पर रोक लगा दी गई है। तो 893 पोस्ट पर फिर से रोक लगा दी गई है। हिमाचल हाईकोर्ट ने 18 जून को जारी भर्ती विज्ञापन पर स्थगन आदेश जारी करते हुए सरकार से 21 अगस्त से जवाब तलबी की है। तो 21 अगस्त तक सरकार को इस बारे में जवाब देना पड़ेगा। तो दोस्तों, 18 जून को जो HPPSC की तरफ से जो नोटिफिकेशन आई थी, तो उसके बारे में हम देख लेंगे एक बार कि कौन कौन सी पोस्ट पे अभी के लिए 21 अगस्त तक रोक लगी है। उससे पहले ही पूरी न्यूज़ का विश्लेषण कर लेते हैं। तो BPL श्रेणी को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित करने के चलते भर्ती पर रोक लगी है। शास्त्री हाईकोर्ट ने शास्त्री के 454 पदों सहित अन्य 20 श्रेणियों के भरे जाने वाले 439 पदों की भर्ती से जुड़े विज्ञापन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। तो न्यायाधीश सुरेश ठाकुर व न्यायाधीश CB बोरवालिया की खंडपीठ ने 18 जून 2020 को जारी विज्ञापन पर स्थगन आदेश पारित करते हुए सरकार को 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं। तो आप देख सकते हैं जो जिन्होंने अपील की थी, ये प्रार्थी अनिल कुमार ने दायर याचिका में आरोप लगाया है कि BPL श्रेणी को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित कर दिया, जिससे BPL श्रेणी के उम्मीदवारों से अन्याय हुआ है। तो उन्होंने बेसिकली कहा था कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ अन्याय होता जा रहा है। तो इसीलिए इसी तर्ज पर उनकी जो अपील थी उसके अकॉर्डिंग ही हाईकोर्ट ने 21 अगस्त तक सरकार से जवाब मांगा है। तब तक इनके ऊपर कोई भी भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी। तो BPL श्रेणी के उम्मीदवारों की वार्षिक आय 35,000 रखी गई है, जबकि आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों की वार्षिक आय 4 लाख तक रखी गई है। तो क्या हुआ था, बेसिकली BPL और ये जो अन्य कमजोर दर्जे के लोग हैं इनको कंबाइंड कर दिया गया था, जिसके तहत BPL की तरफ से अनिल कुमार जी ने ये अपील की थी। तो प्रार्थी के अनुसार राज्य सरकार का BPL श्रेणी के उम्मीदवारों को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित करने का फैसला गलत है। तो उनका कहना था कि 35,000 और 4 लाख वाले को जो आपने कंबाइंड कर दिया है वो फैसला आपका गलत है। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया प्रार्थी की दलीलों से सहमति पाते हुए फिलहाल सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के 18 जून के विज्ञापन पर रोक लगा दी है, जिसके तहत 21 श्रेणी के विभिन्न पदों पर भर्ती होनी है। मामले पर अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। तो दोस्तों, आगे देख लेते हैं कि वो क्या नोटिफिकेशन थी और किन किन पोस्ट के ऊपर अभी के लिए रोक लगी है। तो दोस्तों, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल किया, तो आप उनके साथ भी ये वीडियो को शेयर कर देना। आप शेयर टू व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पे भी आप हों, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि नेक्स्ट डेट कब आ सकती है एग्जाम की, वो भी मैं आपको बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा। तो प्लीज़ जुड़े रहिए चैनल के साथ। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके लाइक करने से जस्ट हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आगे से और भी अच्छी अच्छी वीडियोस ऐसी आपके लिए लाती रहेंगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आपको हर भर्ती प्रक्रिया की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अभी देख लेते हैं कि कौन कौन सी भर्ती प्रक्रिया को 21 अगस्त तक बेसिकली कैंसिल किया गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा अभी। ये आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से 16 अगस्त ये 18 जून की जो नोटिफिकेशन है, और आज की डेट की 11 अगस्त की ये बेसिकली जो अमर उजाला की आर्टिकल की डेट है। तो देख सकते हैं आप, ये 18 जून 2020 की नोटिफिकेशन है। तो इसमें देख लेते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले देख सकते हो आप HP स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो अभी ये भी इसमें शामिल है। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर, आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर सर्वेयर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। नेक्स्ट इज आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट था बेसिकली ये, एग्रीकल्चर जूनियर रोडमैन था ये, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन HRTC में लॉ ऑफिसर की थी। नेक्स्ट इज HPSIDC, इसमें जूनियर इंजीनियर की थी। नेक्स्ट इज HP तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, इसमें बेसिकली ये क्लेरिकल की पोस्ट थी। नेक्स्ट इज हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसमें ऑप्थेल्मिक ऑफिसर की थी। नेक्स्ट इज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें लेबर इंस्पेक्टर की थी।
नेक्स्ट इज एचपी स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड, इसमें जूनियर लेबोरेटरी की थी। नेक्स्ट इज एचपी स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड, ये जूनियर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की थी। नेक्स्ट इज एचपी स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड, इसमें बेसिकली मार्केटिंग असिस्टेंट की पोस्ट थी। नेक्स्ट इज एचपी स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड, इसमें बेसिकली टेक्निकली सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट थी, इसको बोला जाता है बेसिकली टीएस। नेक्स्ट इज एचपी स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड, इसमें मिल्क प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट की थी। नेक्स्ट इज एचपी स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड, जिसमें प्लांट ऑपरेटर की थी। नेक्स्ट इज जल शक्ति, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर था। अगला है एलिमेंट्री एजुकेशन, इसमें शास्त्री की थी। नेक्स्ट इज एलिमेंट्री एजुकेशन, इसमें बेसिकली लैंग्वेज टीचर था। नेक्स्ट इज एच पी एस सी वी एल, जिसमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट था। अब देख सकते हैं जीओए अकाउंट्स की थी, इसमें जीओए अकाउंट से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस डाल रखी हैं, आप चाहें तो जीओए अकाउंट से रिलेटेड वीडियोस मेरी जो भी हैं, एक प्लेलिस्ट है मेरी, उसमें जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने सिलेबस से लेके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसके बेसिस पे कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, मैंने सारी स्ट्रेटजीज बना रखी हैं, तो आप जीओए की एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा एचपीएससीवीएल, जिसमें यूनियन ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट थी, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में थी। तो ये 20 प्लस एक, मतलब कि शास्त्री को छोड़ के 20 और, मतलब कि 21 जो पोस्ट थी उनके ऊपर अभी के लिए हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो देखेंगे दोस्तों इनके ऊपर रोक, इस रोक के ऊपर क्या होता है आगे, सरकार क्या सरकार की तरफ से क्या बोलते हैं जो सोलिसिटर जनरल होते हैं, जो मतलब कि जो सरकार के वकील होते हैं, वो यहाँ पे आके क्या कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम वन बाई वन करके देखेंगे आने वाली वीडियोस में। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन देगी मैं अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, वीडियो को लाइक कर देना और हमारे साथ जुड़े रहिए, और प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस, कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, और मैं जल्दी आऊँगा आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।